आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी की बुक से अध्याय 1 संख्या पद्धति वास्तविक संख्याएं, जिसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो रियल नंबर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है? इसके अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यदि दो दिए हुए धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के संगत दो पूर्णांक क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ शून्य छोटा बराबर आर छोटा बी हो, तो यह हमारी जो प्रमेयिका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहें या यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कहें, इसके अनुसार दो दिए हुए धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के संगत ए व बी के संगत ए व बी के संगत दो पूर्णांक क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ शून्य छोटा बराबर r और r छोटा b। तो यहाँ r का जो मान होता है वो हमेशा b से छोटा होता है। r का मान जो होता है वो हमेशा b से छोटा होता है। b क्या है? b भाजक है, a भाज्य है, q भागफल है और r शेषफल है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यदि किसी संख्या a में b से भाग दे तो भागफल q आता है और शेषफल r बचता है। जो शेषफल होता है वो हमेशा b से छोटा होता है और शून्य से बड़ा होता है या शून्य के बराबर होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, यानी यदि कोई संख्या जो भाज्य है उसमें किसी भाजक b से जब भाग देते हैं तो भागफल हमारा q आता है और शेषफल r बचता है। जो शेषफल बचता है वह शून्य होता है या शून्य से बड़ा होता है और भाजक b से हमेशा छोटा होता है। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यही सिद्धांत है। और अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कहाँ करते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसम ज्ञात करने की एक विधि है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है यह दो धनात्मक पूर्णांकों, दो या दो से अधिक ना कहें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसम ज्ञात करने की एक विधि है। आओ देखें इस विधि से हम किसी संख्या का, किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ये एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का मौसम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का मौसम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो दिया है 135 व 225 का महत्तम समापवर्तक एल्गोरिथम विधि से ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा
आप ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ हम देखते हैं 225 जो है ये बड़ा है 135 से, 225 जो है 135 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणे एक, क्योंकि 135 से करना 135, ये जो 225 है, चूँकि 225 बड़ा है तो 225 बराबर हो जाएगा 135 गुणे एक धन 90। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ 225 जो है, 225 बड़ा है 135 से, तो 225 में अगर हम 135 से भाग करें तो एक बार भाग जाएगा, 135 से करने में 135, और जब उसमें 90 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। तो यानी 225 बराबर 135 गुणे एक धन 90। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर bq प्लस r के रूप का हो गया। देखो यह जो हम भाग दिए, यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हो गया। देखो 225 को अगर हम a माने और 135 को हम b माने तो q बराबर 1 हुआ और r का मान 90 हो गया। अब पुनः देखिए, यहाँ जो 135 है, 135 को हम लिख सकते हैं 90 गुणे, अब 135 के लिए हम 90 गुणे 1 कर दें तो 90 का नाम 90 होगा, और उसमें 45 जोड़ दें तो 135 हो जाएगा। तो यह भी जो देखो, यह ए भी बराबर bq प्लस r के रूप का है, यानी यहाँ a बराबर 135 हो जाएगा और b बराबर 90 हो जाएगा, q का मान 1 हो जाएगा और r का मान 45 हो जाएगा। फिर आगे देखें, यहाँ जो 90 है, 90 को हम लिख सकते हैं 45 गुणे 2 धन 0। यहाँ देखो a बराबर bq प्लस r के अनुसार a का मान 90 हो गया, b का मान 45 हो गया और q की जगह पर 2 हो गया, यहाँ शेषफल शून्य हो गया। और जब यह शेषफल शून्य आ जाता है तो जो संख्या डिवीज़र है, जो डिवीज़र है अंत में, जब शेषफल शून्य आए तो जो डिवीज़र होता है उसी को हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, महत्तम समापवर्तक कहेंगे। अतः शेषफल बराबर शून्य, तब महत्तम समापवर्तक अतः महत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा 45। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ हमारी जो संख्या थी वह 135 और 225 थी, 135 और 225 का मौसम निकालना था, तो 225 जो है बड़ा है 135 से, 225 135 से बड़ा है, तो 225 में हम 135 से भाग देते हैं तो भागफल एक आता है और शेषफल 90 बचता है, जो a बराबर bq प्लस r के अनुसार है। यूक्लिड्स डिवीज़न लम्मा के अनुसार है, यहाँ a का मान ये हो गया, b का मान 135 हो गया और q का मान 1 हो गया और r का मान 90 हो गया। पुनः देखिए, फिर ये 135 में हम 90 से भाग करते हैं तो 90 का नाम 90 हो गया, 45 जोड़ोगे तो 135 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पाते हैं 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45, यह भी a बराबर bq प्लस r के अनुसार हो गया। हम यह प्रक्रिया तब तक हम चलाते चलते हैं जब तक r का मान शून्य नहीं आ जाए। फिर देखो 135 में 90 का भाग देते हैं तो भागफल एक आता है और 45 से बचता है। अब 90 में हम भाग देते हैं 45 से, तो 45 गुना 90 हो गया और यहाँ शेषफल शून्य बचा। अब हमारा यहाँ जो शेषफल आया वह शून्य हो गया। तो जब शेषफल शून्य आता है तो इसमें जो भाजक होता है, जो डिवीज़र होता है, वही दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो यहाँ संख्या 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक 45 हो गया। अब पुनः प्रश्न संख्या 2 दिया है, एक का सेकंड पार्ट, प्रश्न संख्या 1 का सेकंड दिया है 196 और 38,220 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए।
196 और 38,220 का महत्तम समापवर्त यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के विधि से निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हमें मसव बताना है। तो यहाँ भी हम देखो पाते हैं कि 38,220 जो है यह बड़ा है 196 से, 38,220 जो है 196 से बड़ा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे, यानी 38,220 में हम 196 से भाग करेंगे। 38,220 में जब हम 196 से भाग करते हैं तो यह भाग जो है 195 बार जाता है। 38,220 में जब 196 से हम भाग करेंगे तो यह कितनी बार जाएगा, 195 बार भाग चला जाता है और जो हमारा शेषफल आता है वह शून्य आता है। तो यह हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर के अनुसार a का मान 38,220 होता है, b का मान 196 होता है और जो भागफल q है q का मान 195 आता है और शेषफल हमारा जीरो हो जाता है। अतः यहाँ शेषफल हमारा जब शून्य हो गया, अतः शेषफल बराबर शून्य, तब दोनों संख्याओं यानी 196 और 38,220 का 196 और 38,220 का महत्तम समापवर्तक डिवीजर जो भाजक है यह 196 हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है यही बताती है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम पाते हैं कि यहाँ जो भाज्य है, भाज्य 38,220 है जिसको हम ऐसे दर्शाते हैं, तो यहाँ जो भाज्य है वो 38,220 है। इसमें हम भाजक बी बराबर 196, बी बराबर 196 से जब हम भाग करते हैं तो इस भागफल 195 आता है, तो भागफल 195 आता है और शेषफल शून्य हो जाता है। यह 196 यही जो है इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, जो 196 होगा वही इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी यह कहती है कि यदि भाज्य ए है तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। तो यहाँ पर जो आर का मान होता है, यह शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर होता है या बी से छोटा होता है। किसी संख्या का महत्तम समापवर्तक तब प्राप्त होता है जब आर का मान शून्य हो जाता है। यह आर का मान जब शून्य हो जाए यानी शेषफल का मान जब शून्य आ जाता है तो जो भाजक होता है, जो डिवीजर होता है, वही महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखें, हम लिख सकते हैं 867 बराबर 255, 867 बराबर 255 गुणे 3 धन 102। इसका मतलब क्या है कि यदि हम 255 से 867 में भाग दें तो तीन बार भाग जाता है और शेषफल 102 बचता है, यानी यहाँ ए का मान 867 है, बी का मान 255 है और Q का मान 3 है और R का मान 102 है। जब यह R का मान शून्य आ जाएगा तो हम दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक प्राप्त कर लेंगे। अब पुनः हम लिखेंगे 255, क्या लिखेंगे, 255 बराबर 102 जो शेषफल बचा है, 102 गुणे 2, क्योंकि 102 से 255 में भाग दें तो दो बार भाग जाता है, 255 में 102 से भाग करें तो भाग दो बार जाएगा और ये शेषफल हमारा 51 बचता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में देखें तो r का मान हमारा 51 बचा, ठीक।
अब फिर हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 102, 102 में इस 51 से भाग करेंगे तो लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणे, 102 बराबर क्या लिखेंगे, 102 बराबर 51 गुणे 2 धन 0। यहाँ देखो ए बराबर हमारा 102 था, बी बराबर हमारा 51 था, क्यू बराबर हमारा 2 था और आर का मान 0 आ गया। इसी का हमें इंतजार था। जब आर का मान 0 हो जाता है यानी शेषफल, शेषफल हमारा 0 आ गया, तब हम क्या लिख सकते हैं, तब दोनों संख्याओं, तब दोनों संख्याओं 867 व दोनों संख्याओं 867 व 255 का महत्तम समापवर्तक, दोनों संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होगा वह जो डिवीजर या भाजक 51 है वही हो जाएगा, यानी 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक 51 होगा। यही यूक्लिड द्विभाजन प्रमेय का कहलाती है। फिर से एक बार बढ़िया से समझ लें, 867 और 255, यहाँ ध्यान दें, यहाँ 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक हमें यूक्लिड द्विभाजन प्रमेय का विधि से बतानी है। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि यूक्लिड द्विभाजन प्रमेय का जो होती है वह ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आर जो है वह शून्य से बड़ा होता है या शून्य के बराबर होता है अथवा भाजक बी से छोटा होता है। यह हमारा जो भाज्य है वह 867 है, जो भाजक है वह 255 है और जो भागफल आ रहा है वह 3 आ रहा है और शेषफल 102 आ रहा है, यानी 867 में 255 से भाग देने पर भागफल 3 आएगा और शेषफल 102 आएगा। पुनः इसी तरह से हम 255 में शेषफल 102 से भाग करते हैं तो भागफल 2 आता है और शेषफल 51 बचता है। पुनः इस प्रक्रिया को दोहराते हैं और जो भाजक 102 है उस भाजक 102 में शेषफल 51 से भाग देते हैं तो 51 तो भागफल हमारा 2 आता है और शेषफल 0 आता है। तो जब ये शेषफल 0 आता है तो जो भाजक है, जो डिवीजर है, वही दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, लिख रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में का होता है जब कोई क्यों कोई पूर्णांक हो, का दर्शाइए, लिख रहा है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक हो, जब q कोई पूर्णांक हो तो यह हमें सिद्ध करने के लिए देखना होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है। ये देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा a बराबर bq+r जहां शून्य छोटा बराबर r छोटा b है, तो हम इस सिद्धांत से अपने प्रश्न में देखें तो यहाँ लिखा हुआ है वो जो संख्या है वह 6q+1 दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो b का मान है वह 6 है। अगर हम इक्वेशन 1 मान लें तो समीकरण फर्स्ट से हमको मिल रहा है कि ये जो b का मान है वह 6 के बराबर है, b बराबर 6 दिया हुआ है।
तो इससे हम तुलना करते हुए हमारा हो जाएगा बी ए बराबर 6q+r, जहाँ 0 छोटा बराबर r छोटा 6, यानी जो शेषफल का मान होगा वह 6 से छोटा होगा, इसलिए r का मान होगा वह 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 6 हो जाएगा तो ये 6 b के बराबर हो जाएगा, तो ये भागफल में चला जाएगा। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि यदि r बराबर 0 तब a बराबर 6q+0 = 6q, और ये जो 6q होगा वो सम होगा। फिर देखिए, यदि r बराबर 1 लिखा जाए तब a बराबर हो जाएगा 6q+1, और ये 6q+1 जो होगा वो विषम संख्या होगी, ये 2 से विभाजित नहीं होगी। फिर अगर r बराबर 2 लिया जाए तब a बराबर हो जाता है 6q+2, यह 2 से विभाजित हो जाएगी, यानी यह सम होगा। फिर देखो, यदि r बराबर हम 3 लेते हैं तब a बराबर 6q+3 होगा, क्योंकि 6+3 जो है यह 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह विषम होगी। पुनः देखिए, यदि r बराबर 4 लिया जाए तब a बराबर 6q+4 होगा, जो 2 से विभाजित हो जाएगी, तो हम इसको कहेंगे ये सम है। पुनः यदि r बराबर 5 ले लिया जाए तो a बराबर 6q+5 होगा, जो 2 से विभाजित नहीं होगी और यह विषम होगी। तो हम यहाँ देखें, जो हमें संख्याएं प्राप्त हुई हैं यह विषम है, यानी 6q+1 विषम है, 6q+3 विषम है और 6q+5 विषम है। तो हम ये पाते हैं कि अगर हमारा शेषफल 1 बचता है, 3 बचता है या 5 बचता है, तो जो संख्या, जो भाज्य ए है वो विषम संख्या होगी। तो हम लिख सकते हैं कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 जो हैं विषम संख्याएं हैं। अतः यहाँ 6q+1, 6q+3 या 6q+5 विषम धन पूर्णांक संख्याएं होंगी। जैसा कि प्रश्न में कहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया, या आपने ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी विषम धन पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 3 में, ये जो क्वेश्चन नंबर तीन दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे एक आर्मी बैंड के पीछे
मार्च करना है, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो अब इसको हमें कैसे हल करना होगा। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो संख्या है वो 616 है और 32 है। 616 और 32 का मौसा ज्ञात कर लिया जाए तो मौसा ही अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी। अब 616 और 32 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यदि हम हल करें तो हम बता सकते हैं। तो यहाँ हम देखें, यहाँ 616 बड़ा है 32 से। अब हम इसे यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका a बराबर bq प्लस r विधि से हल करें, जहाँ r जो है छोटा बराबर r छोटा b है, 0 जो r है वो शून्य से बड़ा है या शून्य के बराबर है या b से छोटा है। तो यहाँ हमारा जो a का मान है यहाँ हो जाएगा 616 और b का मान जो हो जाएगा 32। तो पता करिए कि r का मान कितना आ रहा है। अगर r का मान शून्य आ जाता है तो हम मौसम पा जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 616 बराबर 32 गुणे 616 बराबर हो जाएगा 32 गुणे 19 और धन आ जाएगा 8। जो हमारे पास शेषफल बचता है वो बचता है 8, यानी 616 में अगर हम 32 से भाग करें तो भागफल 19 आएगा और शेषफल 8 आएगा। अब यहाँ जो हमारा b आया है हम इसको फिर लिखेंगे, हम 32 बराबर जो शेषफल आया है 8 गुणे 8 चौक 32 धन 0, यानी जो हमारा b आता है फिर उसी को हम भाज्य बनाते हैं। जो हमारा भाजक 616 था, भाजक 32 था, भागफल 19 आया, शेषफल 8 आया। तो जो हमारा भाजक होता है, डिवीजर होता है, उसको पुनः हम भाज्य बनाते हैं, उन्हीं को हम फिर भाज्य बनाते हैं। और जो हमारा शेषफल रिमाइंडर आता है उसी से हम भाज्य में भाग देते हैं, यानी जो शेषफल है उसको फिर हम डिवीजर बनाते हैं और भागफल प्राप्त करते हैं, और शेषफल जो आता है फिर उसको हम डिवीजर बनाते हैं, और जो हमारा पहले से डिवीजर होता है उसको हम डिविडेंट बनाते हैं। तो यहाँ हम देखो पा गए जो हमारा रिमाइंडर आया वो 0 हो गया। यहाँ a का मान हमारा 32 है और b का मान 8 है और r का मान 0 हो गया। तो ये जो b का मान आया यही हमारा महत्तम समापवर्त हो गया। अतः मौसा यहाँ हमारा कितना आ गया, मौसा बराबर 8 हो गया। तो इस प्रकार हम पा गए कि अधिकतम स्तंभों की जो संख्या होगी वह 8 होगी। इस प्रकार क्या है, जो इस प्रकार अधिकतम स्तंभों की जो संख्या होगी वह 8 होगी, हमें आंसर मिल गया। यही हमें बताना था। एक बार फिर से देख ली जो क्वेश्चन कहा था, ये हमारा जो प्रश्न था, प्रश्न हमारा क्या था,
यहाँ से देखें जो प्रश्न हमारा था वो प्रश्न था किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमारे पास जो संख्याएँ हैं 616 और 32 में 616 बड़ा है और 32 छोटा है, तो 616 और 32 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बीच से हमें इसका मौसा बताना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 616 को हम भाज्य अर्थात ए डिविडेंट ए मान लेते हैं और 32 को बी मान लेते हैं भाजक, जिसको हम डिवीजर बोलते हैं, और शेषफल क्या आता है ये हम पता करेंगे। तो 616 में जब 32 से भाग देते हैं तो भागफल हमारा 19 आता है और शेषफल 8 आता है। अब यहाँ जो हमारा डिवीजर है 32, जो भाजक है 32, 32 को हम डिविडेंट बनाते हैं, ए मानते हैं, तो ये डिविडेंट 32 को हम डिविडेंट यानी भाज्य बनाते हैं, और जो हमारा ये शेषफल रिमाइंडर आया है उसको हम डिवीजर बनाते हैं भाजक। अब 8 से हम भाग देते हैं 32 में, तो ये भाग 4 बार चला जाता है यानी भागफल 4 आता है। तो जब भागफल 4 आता है तो शेषफल हम यहाँ पाते हैं 0 आ गया। अब हम यहाँ यह देखते हैं कि जो हमारा भाज्य 32 था, डिविडेंट जो 32 था, वहाँ डिवीज़र 8 आया, 8 को हमने डिवीज़र बनाया तो हमारा जो रिमाइंडर हुआ वो 0 हो गया। तो ये जो डिवीज़र है यह डिवीज़र ही हमारा मौसा हो गया। इस प्रकार अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी, जो महत्तम समापवर्तक 8 है। तो इस प्रकार 616 और 32 का महत्तम समापवर्तक 8 आ गया और यह अधिकतम स्तंभों की संख्या हो जाएगी, यही हमें बताना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यह प्रश्न संख्या 4 कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 या धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ध्यान दीजिए, प्रश्न को समझिए, यह कह क्या रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो इसे हम सिद्ध करने के लिए या सत्यापित करने के लिए कहो या हल करने के लिए हम ये मान लेंगे, हमें कुछ मानना होगा। हम ये मान लेते हैं कि कोई संख्या ऐसी है जो कोई धनात्मक पूर्णांक क्यू है। तो पहले हम ये देखें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर BQ+R, जहाँ 0 छोटा बराबर r छोटा b, यहाँ b बराबर 3 दिया है, 3m या 3m+1, तो यहाँ b बराबर हम 3 मान लेते हैं। तो जब b बराबर 3 मान लेते हैं तो b बराबर जब हम 3 मान लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा 3Q+R और r जो होगा वह 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि जो r का मान होगा अब वह 3 से छोटा होगा, क्योंकि ये जो r होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, या b यानी 3 से
छोटा होगा। तो जो आर का मान होगा वह शून्य, एक या दो हो सकता है। तो अब कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा वह एम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो अब यहाँ देखिए, अब हम इन संख्याओं का वर्ग करें। यदि r बराबर 0 तो a बराबर हो जाएगा 3q के। यहाँ से यदि r बराबर 0 लिया जाए तो q बराबर a बराबर 3q। इसलिए इस संख्या का जब हम वर्ग करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर, और 3q का स्क्वायर हो गया 9q का स्क्वायर। 9q स्क्वायर हम लिख सकते हैं 3 × 3q का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 × m के, जहाँ m बराबर क्या हो गया 3q स्क्वायर। पुनः देखिए, यदि यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से देखें कि जब हम a का a बराबर 3q मिला, फिर से एक बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अनुसार यदि a बराबर bq प्लस r, जहाँ a छोटा बराबर r है और r छोटा b है, तो यदि b बराबर 3 मिलता है तो a बराबर 3q प्लस r हो गया, क्योंकि जो r होता है वह शून्य से बड़ा होता है या शून्य के बराबर होता है और 3 से छोटा होता है, तब के लिए r का मान 0, 1 और 2 हो सकता है। तो यदि r बराबर 0 कर दें तो a बराबर 3q हो जाएगा, तो a स्क्वायर लिखेंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का स्क्वायर, और 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q का स्क्वायर। 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 × 3q² या 3m। यहाँ जो m है, m को हमने मान लिया 3q². अब देखिए, यानी r बराबर, यदि r बराबर 1 लें तो a बराबर 3q + 1 होगा। इसलिए a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 6q + 1 होगा। अब हम यहाँ पर देखिए, 3 कामन ले लें, अगर हम 3 कामन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 3q² + 2q + 1। अब इसको हम अगर m मान लें तो ये हो जाएगा 3m + 1, ये होगा हमारा 3m + 1 के रूप का, ये हो गया हमारा 3m + 1 के रूप का। अब अगर हम यदि r बराबर 2 ले लेते हैं तो a बराबर हमारा हो जाएगा 3q + 2k। तो यहाँ a स्क्वायर करें तो a स्क्वायर हो जाएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 12q + 8k। अब यहाँ हम देखें, यहाँ हम 3 कामन ले लें तो 3q² + 4q के बाद हम लिख सकते हैं प्लस 1, 3 × 9 = 3 × 4 = 12 प्लस 3 × 1 = 3, यहाँ बचेगा। यहाँ फिर से एक बार देख लें, ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा प्लस 1, तो ये हमारा हो गया 3m + 1, जहाँ m बराबर है 3q² + 4q + 1। तो हम यहाँ पाते हैं कि कोई भी संख्या ले रहे हैं, अगर a बराबर 3q लेते हैं तो हमारा मान 3m आता है, लेकिन यदि 3q + 1 लेते हैं तो उसका होल स्क्वायर करने पर ये हमारा 3m + 1 के रूप का आता है। अगर हम a बराबर 3q + 2 लेते हैं तो भी हमारा मान ये 3m + 1 के रूप का ही आता है।
तो हम हर स्थिति में यह पाते हैं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर पाँच दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो मान लीजिए कोई एक धनात्मक पूर्णांक क्यों है, यदि हमें हल करना है तो हम ये मान लें कि माना क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में हो सकती है। अब हम इन संख्याओं का क्यूब करें तो 3q का क्यूब अगर लिखते हैं तो यह होता है 27q³, यानी 27q³, और 27q³ को हम लिख सकते हैं 9 ब्रैकेट में 3q² और यहाँ 3q³, 9 3q³ का स्क्वायर लिख सकते हैं 9m के, जहाँ m बराबर हो जाएगा 3q². ठीक, फिर देखिए यहाँ जो 3q प्लस 1 है इनका होल क्यूब कर दें, ये हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 3 × 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 × 3q × 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 27q³ प्लस यह 27q² हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 9q प्लस 1। अब यहाँ हम अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 3q² प्लस 3q³ प्लस 3q² प्लस क्यू, और यहाँ लिख सकते हैं प्लस 1, तो ये हो गया 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q³ प्लस
थ्री क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। अब थ्री क्यू प्लस टू का होल क्यूब, तो थ्री क्यू प्लस टू का होल क्यूब लिखेंगे, थ्री क्यू का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू थ्री क्यू का स्क्वायर इंटू टू प्लस थ्री इंटू थ्री क्यू इंटू टू का स्क्वायर इंटू टू का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब यहाँ हम 9 कॉमन ले लें तो 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू ब्रैकेट बंद प्लस 8। अब यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर हो जा रहा है 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तो अब हम यहाँ पाते हैं कि जो मान यहाँ आ रहा है वो 9m प्लस 8 आ रहा है, और उसके पहले जो मान आया था वह 9m प्लस 1 आया था, और उसके भी पहले जो मान आया था वो 9m आया था। तो यहाँ हम देखते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हमें प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही हमको दिखाना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब आप देखिए, हमने आपको एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 1.1 को समाप्त कर दिया। इसमें कुल 5 क्वेश्चन थे, हमने 5ों क्वेश्चन हल कर दिए। 5ों क्वेश्चन का हमने वीडियो आपको दे दिया है। अब अगले दिन हम एनसीईआरटी की बुक प्रश्नावली 1.2 को पढ़ाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग प्रश्नावली 1.2 को अवश्य पढ़ेंगे। हाँ, यदि हमारी पढ़ाई आपको समझ में आती है हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।